आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। आगरा शहर का ऐतिहासिक धर्म स्थल गुरुद्वारा गुरु का ताल पर सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमजीत सिंह ने शिरकत की। आज सर्किट हाउस में आयोग के सदस्य परमजीत सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वह आगरा में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में हिस्सा लेने आगरा आए हैं। आगरा के गुरुद्वारा गुरु के ताल का समाज में एक अलग ही स्थान है। प्रकाश पर्व में लगभग 285,000 श्रद्धालुओं ने शिरकत की है। आगरा से लाइव टुडे के लिए संवाददाता अजित कुशवाहा की रिपोर्ट। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित गुरुद्वारा गुरु का ताल के द्वारा कराए जा रहे कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के निमित्त था। उपरोक्त कार्यक्रम में मैं कल शाम को शिरकत किया और बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। लाखों लोगों की भीड़ थी और निश्चित तौर पे ये इस बार 550वां प्रकाश पर्व है तो सभी धर्म मजहब के लोग इसको मिलजुल के मना रहे हैं और भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा। अभी ये आपके हमारे जो दरबार साहब श्री अमृतसर में 85 देशों के राजदूत पहुँचे हैं और नतमस्तक होने और साहेब श्री गुरु नानक देव जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने, इसी उसमें इतना बड़ा कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिख समाज को तोहफा दिया गया 9 तारीख को कि करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खोला गया। निश्चित तौर पर हमारी 72 वर्षों की जो डिमांड थी डिवाइडेशन के बाद हम लोग को नहीं मिल रहा था। हम लोग जब अपनी अरदास करते थे अरदास में कहते थे कि जिन्ना गुरुद्वारे गुरु तामानू पंथ तो विछुड़े तिन्ना दे खुले दर्शन दीदारे बख्शने। तो जो खुले दर्शन जो हम लोग को हैं अब वो जो हम 4 किलोमीटर दूर से दूरबीन से देखते थे कि करतारपुर साहिब कहाँ है, अब हम वहाँ जा सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसी प्रकार माननीय न्यायपालिका ने समाज में सद्भाव देने के नियत से जिस प्रकार से राम मंदिर का एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया है और उसमें मुस्लिम पक्षकार को भी 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए तथा अपने अन्य जो उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह जहां वो भोग करना चाहे उस निमित्त दिया है, तो निश्चित तौर पर ये सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाला है। गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व पर इस प्रकार का ये कार्य जो गुरु नानक देव जी महाराज का सभी भाईचारा और सभी धर्म और जात को एक लेके चलने का था, ये मानवता का संदेश इस बार 2019 में दिया जा रहा है।